हेलो दोस्तों, लर्न एडवांस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को गेट पाइवट टेबल किस तरह से चलाना है ये पता नहीं होगा। गेट पाइवट टेबल आपके वर्किंग के लिए कितना जरूरी है और ये किस तरह से चलाना है ये आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो अभी देर ना करते हैं, तुरंत स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। अभी तुरंत स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने दो टेबल्स रखे हुए हैं। गेट पाइवट टेबल में दो वर्जन हैं, एक है ऑटोमेटेड है और दूसरा मैनुअल है। दोनों बहुत ही यूजफुल है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पर मैंने एक पाइवट टेबल भी रखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी आपके सामने एक पाइवट टेबल को ले लेता हूँ। बेस डेटा भी इसी शीट पर रखा हुआ है ताकि आपको समझाने में आसानी होगा। इसको पाइवट टेबल यहाँ पर एक ले लेता हूँ, इसी शीट पर एक नया पाइवट टेबल को ले लेता हूँ। पहले यहाँ पर एंटर करेंगे, जोन को कॉलम्स में लेता हूँ और ये जो साइट कोड है वो यहाँ पर रोज पे लेंगे और ये जो टोटल सेल है वो वैल्यूज पे ले लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ा फॉर्मेट ठीक कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में देखने में आपको आसानी होगा और आपको मुझे भी बताने में आपको आसान होगा दोस्तों। इसको क्लासिक पाइवट में कन्वर्ट कर देता हूँ। गेट पाइवट टेबल बहुत ही यूजफुल होता है दोस्तों, आपका बहुत सारा वर्कलोड कम हो जाएगा अगर आप गेट पाइवट टेबल डाल के रखेंगे तो। बस आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, आपका ऑटोमेटिकली समरी रिफ्रेश होता रहेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऑटोमेटेड बताता हूँ, बाद में आपको मैनुअल समझाता हूँ। पहले आपको करना क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आपको इज इक्वल टू लेना है। लेने के बाद अभी मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, टोटल सेल, ईस्ट का टोटल सेल को मुझे यहाँ पर लाना है। तो सिंपल इज इक्वल टू लेता हूँ और मेरा जो पाइवट टेबल है वहाँ पर जाके सेलेक्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर यही ऑटोमेटिकली गेट पाइवट टेबल भी आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपका जो सेल है वो भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको बस दो चेंजेस करना है। वो चेंजेस क्या करना है आपको, बस आपको इज इक्वल टू ले लिया, पाइवट टेबल को सेलेक्ट कर लिया, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको चेंजेस क्या करना है, ये जो ईस्ट करके यहाँ पर जो सेलेक्ट हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो, जोन नेम भी हो सकता है या फिर किसी का अदर नेम भी हो सकता है या फिर साइट कोड हो सकता है। आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से रखा हुआ है। ये जो सेलेक्ट हुआ है इसको आपको निकालना है। निकालने के बाद आपके जो समरी पर जो ईस्ट करके इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद इसको लॉक करना है दोस्तों। इस तरह से लॉक करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका सेल जंप हो जाएगा तो फॉर्मूला वर्क नहीं होगा। तो आपको इस तरह से लॉक करना है। करने के बाद दोबारा से आपको जो साइट कोड है, ठीक है, यहाँ पर जो साइट कोड है इसको भी आपको निकालना है। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक निकालना है। आपके जो समरी पर साइट कोड है यहाँ पर, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद इसको भी लॉक करेंगे, इस तरह से लॉक करना ज़रूरी है। एंटर करेंगे, बस कॉपी करके पूरा फॉर्मूले में पेस्ट कर दीजिए दोस्तों, आपका गेट पाइवट टेबल रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हो सारा डेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका डेटा यहाँ पर अभी चेंजेस हो रहा है तो ये पाइवट टेबल में भी रिफ्रेश होगा और यहाँ पर आपके समरी पर भी रिफ्रेश होगा, वो आपको मैं एंडिंग में बताऊंगा। ये ऑटोमेटेड था, इसका मैनुअल वर्जन किस तरह है, मान लीजिए अगर आपका इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वहाँ पर आपको मैनुअली आपको गेट पाइवट टेबल से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो किस तरह से करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों। यहाँ पर इज इक्वल टू लेंगे, गेट पाइवट टेबल को ले लेंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखें अभी यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डाटा फील्ड, कौन सा डेटा फील्ड का मुझे पहले डेटा लाना है। पहले हमने यहाँ पर क्या लिया था, टोटल सेल को लिया था, तो इसी तरह यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको मैनुअली करना है दोस्तों, ये मैनुअल है, ये भी आपको जानकारी रहेगा तो आपको पता चलेगा गेट पाइवट का लॉजिक क्या है। ठीक है, टोटल सेल को लिख दिया, लिखने के बाद कॉमा डालता हूँ। कॉमा डालने के बाद अभी यहाँ पर क्या मांग रहा है दोस्तों, पाइवट टेबल कहाँ पर है। ठीक है, कौन सा पाइवट टेबल, पाइवट टेबल कहाँ से शुरू हो रहा है, आप देख सकते हो E3 कॉलम से शुरू हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ये E3 कॉलम से शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, मैनुअली इस तरह से E3 प्रेस करना है, इसको भी लॉक करना ज़रूरी है। कॉमा डालेंगे, डबल कोट्स डालेंगे। दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, हमने यहाँ पर टोटल सेल के बाद क्या लिया था, जोन को लिया था। तो यहाँ पर आपको मैनुअली इस तरह से जोन को मेंशन करना है। करने के बाद डबल कोट्स में कॉमा डालेंगे और ये जो जोन यहाँ पर है, जिस तरह से आपने इस फील्ड पे लिया था उसी तरह आपको यहाँ पर भी लेना है। ठीक है, जोन को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी लॉक करेंगे इस तरह से, कॉमा, डबल कोट्स में। दूसरा रिक्वायरमेंट हमारा क्या था, साइट कोड। तो पहले आपको यहाँ पर साइट कोड लिखना है, लिखने के बाद डबल कोट्स में यहाँ पर भी कॉमा डालता हूँ और जो साइट कोड यहाँ पर है इसको आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। करने के बाद इसको भी इस तरह से लॉक करना है और बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। अभी आप देख सकते हो, इसको भी कॉपी करेंगे, पूरा नीचे तक पेस्ट करेंगे। आपका पाइवट टेबल से आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लाके आप यहाँ से इस तरह से आप ला सकते हो दोस्तों। अभी यहाँ पर आपका बेस डेटा में कुछ चेंजेस होगा तो यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको एक हाईलाइट करके बताता हूँ, साइट पाई जो है इसको दोनों को हाईलाइट करता हूँ, तभी आपको थोड़ा समझने में और भी क्लैरिटी होगा। इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये कौन सा है, साइट पाई है और ईस्ट जोन का। यहाँ पर थोड़ा आइटम, ये जो वैल्यू है इसको बढ़ा देंगे। साइट पाई का जो ईस्ट का डेटा है, ये जो 7 लैक्स है इसको मैं 9 लैक्स कर देता हूँ।
अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर भी रिफ्रेश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसको राइट क्लिक करेंगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, अभी आप देख सकते हो रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी रिफ्रेश हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर भी रिफ्रेश होगा, यहाँ पर भी रिफ्रेश होगा, इसको रिफ्रेश करेंगे इस तरह से तो यहाँ पर भी रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जैसा जैसा आपका डेटा चेंजेस होगा तो वो यहाँ पर भी रिफ्रेश हो, बस आपको यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करना है, यहाँ पर आप करेंगे तो आपका समरी भी रिफ्रेश हो जाएगा। तो इस तरह से आपको गेट पिवट टेबल चलाना है और ये बहुत ही यूजफुल है दोस्तों आपके वर्किंग के लिए। और भी बहुत सारे एक्सेल के और एक्सेस के रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको फंक्शंस और फार्मूला सीखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, चलिए अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।